इतनी बड़ी शंकर की मूर्ति है, देखिए। बेटे, आपने रेट फिक्स कर दिया है ना? किया है, चलो स्नेक पकड़ते। उसके हाथ में चाहिए था वो बड़ा स्नेक, स्नेक और वो क्या स्नेक चाचर की छड़ी। हाँ। अभी उसके हाथ में अभी ये ब्लॉक बना दिया। अच्छा नहीं लगता दोस्तों? तो भैया गाड़ी निकल रहे हैं, भगत भी आ रहा है हमारे साथ। नहीं लेके जाएंगे करके सोचा था, लेकिन अभी भगत को भी लेके जा रहे हैं। भगत टायर पंचर हो गया फिर से। हो गया ना, हम देखेंगे उसका क्या करने का। ये टायर निकल के दूसरा डालेंगे। देखो ना सर कितना ये करते हैं लोग, यहाँ ना डेली टायर कोई पंचर करके छोड़ देता है, डेली हवा भरते डेली पंचर करके छोड़ देता है। तो अभी फिर मैं भी यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, अभी निकलते हैं। पहले यहाँ से निकलते हैं, बहुत लेट हो चुका है। रोड पे ही मंदिर लगता है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। गाड़ी पे भगत है, यहाँ पे पया गाड़ी चला रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा इस तरह से रूल है कि दोनों इंसान भी हेलमेट डालना है गाड़ी पे, और दो से ज़्यादा गाड़ी के ऊपर लोग नहीं बैठ सकते। लेकिन भगत छोटा है उसके कारण उसको बीच में बिठाया है। तो भैया कौन सा मंदिर में जा रहे हैं? हम एक टेम्पल में जा रहे हैं, विष्णु मंदिर। हाँ तो विष्णु मंदिर है बोल रहे हैं, वहाँ पे उनको जाना है। हमें तो पता नहीं है, उनके पीछे पीछे जाएंगे हम। अभी वही ने हमें दिखाएंगे कि वो मंदिर कहाँ है। यहाँ पे घुटन सा हो रहा है इसमें। सुबह तो बारिश आया था, लेकिन अभी बारिश कम हो चुका है, बारिश थम चुकी है और धूप अभी धूप आया है। गाड़ी को आवाज आ रहा है शायद ज़्यादा। मैं आगे आगे दिखाती हूँ आपको कि पूरा सिटी दिखाती हूँ। अरे बोल बोल। भैया तो नहीं बोल रहे किधर लेके जा रहे, पता नहीं जाएंगे पीछे 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 जाएंगे। हाँ बोल बोल सकते हो दोस्तों? आस पास झाड़ियाँ देखो। हाँ। हमारे उधर महाराष्ट्र में सांगली में कुछ ऐसा नहीं है, इधर भी जाओ मालरा में। हाँ। कुछड़ा ही कुछड़ा। ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा पेड़ है, बहुत ही सुंदर है। ये नीलगिरी का पेड़ है, नीलगिरी को क्या बोलते पता नहीं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा झाड़ी है पूरा। हाँ जंगल जैसा है, भगत बोल रहा है जंगल जैसे। तो हेलमेट की तो बहुत सकते है यहाँ पे, बिना हेलमेट के नहीं जा सकते। बहुत पेड़ लगाया है यहाँ का राजा, बहुत अच्छा था, बहुत पेड़ लगाया है। अभी भैया जाने तक ना आपको इसी तरह बाहर की मैं कराऊंगी, बाहर की ब्लॉग बनाऊंगी मैं। अभी आपको मैं ना पैलेस का रोड दिखाऊंगी, जाते समय लगता है यहीं से रेलवे स्टेशन दिखाऊंगी। यहाँ पे इस साइड में पैलेस भी आता है और जू भी आता है। यहाँ पे मैसूर में बड़ा जू है प्राणियों का। हाँ सांप वगैरह सब कुछ है वहाँ पे। हाँ रुकना है। भैया को सिग्नल नहीं पता चलता है तो भैया रुको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भैया के यहाँ पे सिग्नल बिल्कुल भी नहीं होते, कैसे भी चलते हैं। तो भैया बोल रहे हैं रुको क्या, तो उनको बताना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे एक वीर जवान का यहाँ पे एक पुतला लगाया है। भगत और हम यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं। पेट्रोल पंप के साइड में जो शॉप है वहाँ पे बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है, हम हमेशा इधर यहीं पे आते हैं। सीधा जाना है भैया? हाँ चलो रुकना है जाना है, वो सब कुछ बोलना पड़ता है। और सिग्नल बहुत ज्यादा है, आराम से ले लो।
बहुत अच्छा। हाँ सीधा जाना है। हाँ चामुंड, ये नंजनगढ़, नंजनगढ़। हम शूट नहीं कर पाए लेकिन वहाँ पे दोनों साइड पे पुलिस खड़े थे। हेलमेट नहीं, सब कुछ डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए गाड़ी का। और यहाँ रुके हुए हैं, यहाँ पे इनसे काका से हमने पूछा है, लेकिन यही रोड है लेकिन वो मंदिर इसी साइड में क्या नहीं पता नहीं, देखेंगे अभी। यहाँ से लगता है टोल नाका और आगे भी हमें जाना है यहाँ से 16 किलोमीटर। यही है क्या? नहीं, गाड़ी बाहर लगा देंगे। वही दो नदी भी है। हाँ नदी भी है। हाँ यही मंदिर, जो भैया को यही मंदिर को आना था। इधर ले गई ये नदी देख। बस हुआ, बस हुआ। चलने के लिए नहीं हो रहा है। हाँ चलने के लिए नहीं हो रहा है। बहुत एक घंटे से बैठे हैं हम तो चलने के लिए नहीं हो रहा है। वो डिक्की में डालना है। मेरा फ्रेंड ना रोज सुबह इधर से जाता है। अच्छा, और रोज यही से? यही से वो जाता है स्कूल। तुम्हारे स्कूल? हाँ नहीं बोला है टीचर्स को। तो आपको मैं दिखा दूंगी, ये देखिए कितना सुंदर है। वो तांबे का है। हाँ ये तांबे का है। और पता नहीं ये मंदिर हम पहली बार आ चुके हैं और भैया को पता था ये मंदिर और यहाँ पे आएंगे करके बोला। ये यहाँ पे नदी जा रही है। कौन सा पता नहीं निकलना है ना, वहीं पे निकलना है। नहीं इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, इधर निकालेंगे। ये देखिए भगत को बोटिंग पसंद है, बोलता है कि बोटिंग है ये नदी है। उस साइड में हम पानी के अंदर कई साइड, हाँ यहीं पर भी जा सकते हैं। ये देखिए अच्छा है भगत। भगत तो पानी देखने के बाद उसको ऐसी मन में गुदगुली हो जाती है भगत के, है ना भगत? गुदगुली हो रही है। क्या क्या हो रहा है? खुजली आ रही है। खुजली? गुदगुली नहीं खुजली हो रही है। किस लिए? कपड़े निकाल के फेंक दूं? कमर गई गरम करते शायद। हाँ पता नहीं। वो जो बीच का मंडप बनाया है वो कितना सुंदर है। ये देखिए मामा ऊपर है, पूरा सोने का है। सोने का है सच में? अरे पूरा पीतल है ना, वो पीतल बोलते ना वो है। और यहाँ पे ये देखिए ये गोल्ड का है, पूरा रियल गोल्ड, रियल गोल्ड, गोल्ड को रियल गोल्ड ही बोलते। तो विष्णु मंदिर है, महाराष्ट्र में इसको विष्णु बोलते हैं। यहाँ मैसूर में है, कर्नाटक में चार मंदिर से बहुत अच्छा मंदिर है। अच्छा यहाँ आया तो सुकून मिलता। आपको पता था ये मंदिर? पता था। आप पहली टाइम आए हो यहाँ पे? पहले ही टाइम आया है। रुकिए ना, बताइए ना
बहन के साथ पहली बार आया है। जब मैं मेरे साथ आए हो क्या, मंदिर को भी पहले आए हो? हाँ, मंदिर को भी पहले आया ना। हाँ, लेकिन इस मंदिर के बारे में आपने सुना था? सुना था, बहुत अच्छा है। यहाँ पे रश कब रहता है? क्या मतलब ज्यादा भीड़ कब रहती है इधर? भीड़ नहीं रहती। भीड़ नहीं रहती है? नहीं रहती। विष्णु का मंदिर है, बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और कब मैसूर आए तो यहाँ आना चाहिए, ये बहुत अच्छा मंदिर है। बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है। जब पांडव थे, कौरव पांडव, तब से ये है। बहुत पुराना मंदिर है। और ये खुला नहीं है, अंदर जाने का था लेकिन यहाँ लॉक है। लॉक है इसलिए बाहर से ही दर्शन दिया है। और आगे जाके दिखाता है। ये मंदिर का पूरा एरिया बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बहुत बड़ा है। ये देखिए सब, और भी आपको दिखाते हैं हम। हम अभी ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के आए हैं। अभी हम यहाँ कावेरी नदी के पास विष्णु मंदिर है। कौन सा नदी? कपिला नदी है, कावेरी नदी। मैसूर में जाना। हाँ, वो कपिला। वही सोचे थी भैया, कावेरी बोल रहे थे तो ये कावेरी इधर उधर है ना? कावेरी उधर है, वो नसीबपुर जाता है। वो ये पानी नसीबपुर तमिलनाडु जाता है। ये कौन सा नदी है? कपिला नदी। कपिला। हाँ। और ये मंदिर का थोड़ा बताओ मामा, क्या महत्व है? मंदिर का पुराना मंदिर बता, सबरी मंदिर में केरला में है। केरला में? हाँ, ये नया रेडी हो गया, 27 ईयर हो गया। इस मंदिर को 27 इयर्स हो गया। ये शबरी मंदिर को कौन आदमी जाने को नहीं होता है, सभी इधर आता है। सभी इधर आता है। केरला में अय्यप्पा टेम्पल है ना, वो उधर बहुत गरीब आदमी आता है, नहीं जाने को नहीं होता है, इधर आता है। मित्रों, कभी भी तुम मैसूर चले आए तो आ जाओ इस मंदिर को। ये मंदिर मैंने देखा है, बहुत अच्छा है। यहाँ मन बहुत प्रसन्न हुआ, मेरा बहन मेरा साथ है। भैया आते ही चालू किया था, मंदिर जाना है तो उनको मंदिर पे लेके आए। आप बैठे यहाँ पे, अभी बैठे थोड़ा देर के लिए और थोड़ा घूमेंगे और जाएंगे, फिर देखेंगे कहाँ बोलते हैं। चामुंडा हिल जाना है आपको? अभी चामुंडा हिल दिखाओ ना हमें, जो मैसूर के पास आस पास में वो सब देखेंगे। और कल ऊटी ही देखेंगे। भगत और माई दोनों भी बहुत सुंदर बैठे हैं। बारिश हो रहा है और यहाँ पे नदी भी है तो बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है हमें, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। भगत तुझे कैसा लग रहा है? और भगत को बोटिंग करना है, वहाँ पे बोट में बैठना है उसको। अभी जाके हम उसको नहीं बैठने के लिए मैं नहीं दूंगी। चलो, अभी बीच में बारिश आया और कैसे किया देखा ना, वो डूब भी सकती है वहाँ पे। डूब गए तो हम ऐसा आते हैं। यहाँ पे हम मंदिर देख चुके हैं और अभी हम निकलेंगे बारिश कम होने के बाद। अभी बारिश अचानक से आ रही है, सुबह से मैंने बोला ना आपको बारिश आ रही है करके, बीच में रुकी थी। हम यहाँ पे आने के लिए एक घंटा डेढ़ घंटा लग गया ना, एक घंटा लगता है, लेकिन वो हम ढूंढते आए ना तो हमें डेढ़ घंटा चला गया। अभी हम सीधा मतलब पता है तो जाएंगे, फिर तो एक घंटा लगेगा जाने के लिए। बीच में और कुछ देखना है तो वो भी देखेंगे, ऐसा है। वो देखो दोनों कैसे जा रहे हैं, देखिए। भगत तो उसमें बैठना है। तो चलो आपके साथ मैं बात करते जाती हूँ, क्योंकि वो दोनों भी चले गए उधर। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ अलग सा, थोड़ा सा डेली का रूटीन वही चलता है, तो बाहर आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है। मछलियाँ है, फिश है, यहाँ पे देखिए मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ है। ये देखिए, मैं अभी यहाँ से ही जाती हूँ। ये क्या कर रहे देखती हूँ मैं, इसमें बैठने के लिए सोच रही हूँ। क्या 50 रुपए? किसको 50 रुपए? आप जाओ दोनों, मैं नहीं आऊँगी। नहीं जाओ आप। अभी ये बोट में बैठने के लिए सोच रहे हैं। मैं जाऊँ जल्दी।
किया है। चलो तो आ जाइए, आप भी आ जाइए। बीच में जाके ना फंसे हम। तो चलो ये देखिए जा रहे हैं, भगत हो गया फर्श पूरा। दोस्तों अभी घूम के हम आए बोट से, भगत अच्छा लगा? माइक को पकड़ के माँ माँ होती है, अच्छा से नीचे लो उतरे। मैं थोड़ी डरूंगी, मैं गिरूंगी तो आप बचाओगे? नहीं हम बचाने, हमें भी तैरना नहीं आता। क्या दिख रहा है मुझे? क्या नहीं, अभी वो वाला बोट दिख रहा है उसको? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? पूछ के देखो। चलो भगत हो गया तेरा, वो फिश आया इधर, यहाँ पे फिश है। ओह माय फाइल तो हो गया यहाँ पे। हमने ना सर हमने मॉल में देखा था ये फिश है ना, मॉलिश ये करते हैं क्या, मसाज करते हैं? अंदर डालो ना पाए, अंदर डालो ना, मसाज करते हैं तो यहाँ पे फ्री में मसाज हो रहा है। तू साइड में ना धूप देना, ये देखिए इधर आना देखिए। लेकिन वो पेड़ को आगे नहीं ये कर रहे, देखेंगे देखेंगे अभी काटते हैं क्या। एक भी मच्छी नहीं आ रहा है अभी, नहीं काटेंगे अभी मच्छी, नहीं इधर तुम्हारे पाव को नहीं काटेंगे। नहीं डरती है ये, खाने वाली है पता चल चुका है। ये यहाँ पे शायद कपड़े ना, यहाँ पे स्नान करके कपड़े यही पे उतार के निकाल के जाते हैं, मतलब नदी में ही उसको अर्पण करके जाते हैं शायद ही, मुझे कुछ पता नहीं है। क्या पता नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा ये बनाया है डस्टबिन जैसे। अभी काट रहे, अभी काट रहे फिश, अभी काट रहे फिश, अच्छा लग रहा है। ठीक है चलो छोड़ दो। इतनी बड़ी शंकर की मूर्ति है, आप देख सकते हो ये कितना बड़ा मंदिर है। ये देखिए यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और देखिए यहाँ से ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा मंदिर है। ये बहुत बड़े बड़े रथ है और ये मंदिर बड़ा। बोट में भी बैठ के आए हम, हो गया सब कुछ। अभी हम घर जाने वाले हैं, घर जाएंगे कहाँ पता नहीं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि मैं वीडियो को यही एंड करूँ, और जो भी होता है वो दूसरा मंदिर या कुछ जाते तो हम अलग सा वीडियो बनाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं मेरे दोस्तों। हम सुबह से अभी कितना 3 बजे है, मंदिर का ये दर्शन अच्छा हुआ, और मेरा बहन का जो चैनल है जो ब्लॉग बनाती है वो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब लोगों में दिखाइए
ये अपना कर्नाटक की फर्स्ट लेडी है माई, कि जो स्नेक पकड़ते उसके हाथ में चाहिए था वो बड़ा स्नेक और वो क्या स्नेक चाचर की छड़ी। हाँ। अभी उसके हाथ में अभी ये ब्लॉक बनाती है। अच्छा नहीं लगता दोस्तों, लेकिन बहन क्यों आप बोल रहे भैया 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 बोल रहे अच्छा नहीं लगता है आपको मेरी, मैं कैसे जीती हूँ क्या करती हूँ आपको मैं दिखा रही हूँ ब्लॉग में, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? आप बताइए जरूर, क्योंकि भैया वो वही बोलते हैं कि छड़ी आपके हाथ में अच्छी नहीं लगती, स्टिक अच्छी लगती है, स्नेक की स्टिक अच्छी लगती है। तो आपको सांप अच्छा लगता है? वो देखो उधर सांप है, वो देखो उधर उधर एक सांप है, तो वहीं पे जाके एक करूँ क्या, वो ले लूँ क्या हाथ में? वहाँ पे है देखो, वहाँ पे है देखो सांप, ढूंढो उसको। नहीं है भैया ये मुझे फंसा रही है। आपको ये वीडियो पसंद आते है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ। और चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मराठीत सांगतो तुम्हाला, जरी चैनल सब्सक्राइब केलं नसेल तर माझ्या लाडक्या बहिणीचा चैनल तुम्ही सब्सक्राइब करा, लाइक करा आणि शेअर करा। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। भगत का पूरा ध्यान देखो, देखो इधर ही है भगत, ये बोर्ड के ऊपर ही ध्यान है पूरा कि उसमें जाके उसको बैठना है। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय। भगत बाय बोलो। नहीं 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 दिख रहा है, ठीक है।